organic problems, जो कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, टू डिग्री अल्कोहल से जो सीआरओ थ्री सरफेस को ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है। अगर हम बात करें जनरली किसी भी एल्डिहाइड अल्कोहल की, सॉरी अल्कोहल की, तो वो ऑक्सीडाइज होकर के जनरली क्या देखा, मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एल्कोहल्स में अगर बात करें तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू ओनली ओनली एल्डिहाइड्स, व्हाइल 2 डिग्री एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन्स। सो हियर द क्वेश्चन इज साइक्लोहेक्सेन वन सीआर3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है और साइक्लोहेक्सेन दे रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ओजोन एनालिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोन एनालिसिस होता है और इसके लिए मैंने तरीका बता रखा है कि कोई भी एल्कीन हो अगर ओजोन एनालिसिस हो रहा है और सेकंड इसका जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो शॉर्टली आप क्या कर दो कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड को लगा दो, ये इसके एक्चुअल प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट देखकर और डिग्रेड अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो प्रोडक्ट की बात करें तो साइक्लोहेक्सेनॉन दे रखा मेरे पास प्रोडक्ट और टू मोल्स दे रखे, तो टू मोल्स बनाने के लिए अपन क्या करें, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपन रिएक्टेंट कैसे बनाएं, तो जब इस रिएक्टेंट का ऑक्सीडाइज होगा और फर्दर जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, टू मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, कोई एल्कीन दे रखी है और उससे अपन क्या बनाना है, एक साइक्लोहेक्सेन कार्बोनेट बनाना चाहिए, तो इसके लिए बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप अगर देखिए अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करूं, तो अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराता हूं जो कोई एल्कीन है, अगर अपन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएं तो ये अपने को 2 डिग्री एल्कोहल देगा, सॉरी 3 डिग्री एल्कोहल, और फर्दर जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी इसी का अगर मैं पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराऊँ, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन करवाएगा तो इससे क्या होगा, एंटी माइक्रोबियल का प्रोडक्ट देगा, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, देखो पीसीएस के बनने से साइक्लोहेक्सेन कार्बोनेट। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट स्टेप हमने क्या कराया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडाइज कराया था और सेकंड स्टेप में हमने क्या करा दिया, पीसीएस के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके अपने को एल्डिहाइड बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, अब एलसीएन और एचसीएल ये दोनों में क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस HCl बनाएंगे और ये HCl विद कार्बोनिल कंपाउंड क्या देंगे, अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये तो देता नहीं एसिड के साथ रिएक्शन, अगर मैं ये एसिड ना लूं तो ये बाय बॉन्ड डिस्प्लेस होगा और ये जो कार्बन ग्रुप है वो कौन से रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और लास्ट स्टेशन जो सेलेक्ट रिड्यूसिंग ग्रेड रिड्यूसिंग एरिया की तरफ करता है उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो पहले हम CH3 CH1 CH2 CH2 O CH2 H5। अगर इस कंपाउंड की बात करें उसने कहा कि पहले से क्या करना सोडियम सल्फर हाइड्रेट को पहले से रिएक्शन करवाना है तो ये तीसरे के ऊपर रिएक्शन करता है इसका क्या केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कीटोन है और कीटोन का जब रिडक्शन करवाया जाएगा तो ये क्या रहता है 2 डिग्री एल्कोहल्स। ऐसे अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या रहता है 1 डिग्री एल्कोहल्स। तो यहाँ सबसे पहले तो सोडियम और हाइड्रेट से अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बन ग्रुप एल्कोहल में चेंज होता है और रिमेनिंग ग्रुप उनके पास क्या बन जाता है तीसरे ग्रुप जिसके लिए कहा कि अगर इसको एसिडिफाई कराऊँ तो ये यहाँ से कौन ब्रेक हो जाएगा और ये अपना क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH2 CH5 OH। अब जब एसिडिफाई करा रहे तो अपने पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो ठीक है।